हेलो, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज है संडे और मेरे घर पे पूजा हो चुकी है और अभी हो रही है मेरी सुबह, क्योंकि आज संडे है। तो वैसे तो मैं 7 साढ़े 7 तक उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा देर हो गया था, आराम से सो रही थी। और इसके बाद तुरंत नहा धोवा के रेडी हो गई, क्योंकि सारा काम हो चुका था। और फिर यहाँ पे डैडी ने दूध लाया था जो कि फट गया था, तो मेरा दिमाग देखो कौन खाली करे उसको अलग अलग, इसलिए मैंने लटका दिया और पूरा दूध वैसे ही गिर गया। और पूरा दूध गिरते हुए आया था, फट गया था किसी चीज़ से लगकर। और यहाँ पे बन रहा है प्लेन वाला, बिल्कुल प्लेन वाला नूडल्स, जो कि मुझे पसंद है और मेरे घर पर किसी को नहीं पसंद है। पहले बना है ये लड्डू और लल्ला का है, जो कि बिना प्याज लहसुन का है, तो उनको संडे स्पेशल मिलना चाहिए इसलिए उनके लिए बन गया। फिर उसके बाद प्याज वाला बना और मेरे स्पेशल डिमांड प्याज बन रहा है, पुलाव दाल और आलू की सब्जी, बॉयल आलू की सब्जी, जो कि वो बॉयल आलू की सब्जी जो ट्रेन वगैरह में हम लोग पूड़ी के साथ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे आलू बॉईल होकर मस्त सब्जी बना है, पुलाव दाल, चने का दाल और सब्जी, जो कि मुझे कभी कभी खाना बहुत पसंद है। और आज बहुत मन हो रहा है, तो मेरे मम्मी को बोला और बनाने का, और बनाया करके आज जय बजरंगबली उसका। और आज मुझे कुछ रिकॉर्ड करना था, वीडियो बनाना था, तो मैंने बहुत दिनों से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। और ये सूट जाना भी था कहीं, तो मैंने सोचा कि पहले साथ साथ रेडी होते होते रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। तो पहले मैंने फाउंडेशन वगैरह जो क्रीम वगैरह होता है वो मैं पहले लगा लेती हूँ, मैंने ड्रेस चेंज की और सारी चीज़ों को एक साथ रख लिया, क्योंकि जो फाउंडेशन वगैरह रहता है मोस्टली मेरे ड्रेस पर लग जाता है, जो कि अगर डार्क कलर है तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फाउंडेशन तो नहीं, क्रीम वगैरह, फाउंडेशन तो बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई है और मुझे फाउंडेशन वगैरह उतना पसंद नहीं है। और ये सबसे पहले सनस्क्रीन, ये लैक्मे का सनस्क्रीन है और दूसरा एक्वालॉजी का है, वो दोनों मिक्स करके लगाती हूँ। बीच में मैं कोई और सनस्क्रीन लगाती थी, सनस्क्रीन चेंज कर करके लगाती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगाना छोड़ती हूँ, बस सनस्क्रीन ही लगाती हूँ वैसे। और इन दोनों के लगाने के बाद ही कुछ लगाया जाता है। और मैं थोड़ी आलसी टाइप हूँ, अगर इस एक दिन लगा दिया मैंने तो दूसरे दिन भूल जाती हूँ। पहले मैं बीच में सिरम लगा कर रात को सोती थी, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, धीरे धीरे सब चीज़ें को छोड़ देती हूँ। तो मेकअप करने से पहले मैंने सबसे पहले सनस्क्रीन लगाया है। यहाँ बोल भी रही हूँ कि वैसे सनस्क्रीन स्किन को ऑब्जर्व नहीं कराना चाहिए, पर वैसे लगाते लगाते वैसे छोड़ा भी नहीं जाता। तो जब तक लगाते हैं तब ऑब्जर्व नहीं होता, तब तक हम सब सबकी आदत होती है, लगाते ही रहते हैं। उसके बाद मुझे लगाना था सिरम, पर मुझे मैंने सिरम नहीं लगा के, मैं खोज रही हूँ यहाँ पे कंसलर। और कंसलर से पहले मैंने, मुझे याद आ गया कि मुझे सिरम लगाना है। वैसे मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो ये प्लम का सिरम जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद बेस्टीज का मैंने सिरम निकाला, जो कि अच्छा है काफ़ी। और यहाँ पे मेरे बाल की हालत देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से मैंने शैम्पू नहीं किया और ऐसे मोड़ कर रखी हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी सुखाने का भी मन नहीं होता, मुझे शैम्पू करने का भी बिल्कुल मन नहीं होता, इतनी गर्मी हो रही है। 4 दिन तो नहीं, 3 दिन हो चुके हैं। तो मैंने पहले सिरम लगाया, सिरम लगाने के बाद अच्छे से स्किन में सिरम लगाने के बाद ही कुछ लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा जो क्रीम वगैरह होता है, फाउंडेशन वगैरह होता है, वो ज़्यादा अंदर तक स्किन में नहीं जाना चाहिए। तो देख सकते हैं स्किन का कलर थोड़ा सिरम लगाते ही चेंज हो जाता है। बाद लगाएंगे। और मैंने क्या किया है, सामने में स्टैंड में अपना कैमरा भी फिट किया है, जिससे कि और रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और उसी से देखकर लगा भी रही हूँ, मतलब एज अ मिरर भी काम कर रहा है मेरा कैमरा। तो उसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी, जो एकदम ख़त्म ही होने का आया है। और ये मुझे थोड़ा सा ड्राई सा लगता है, तो बिल्कुल हल्का सा यूज़ करती हूँ। और वैसे तो श्रीज ब्यूटी का भी कंसीलर काफ़ी अच्छा होता है, जो कि बड़े पैक में आता है, वो भी है मेरे पास। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ नहीं करती, पर लेकर रखा हुआ है मैंने, तो क्योंकि मेरे स्किन बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें सूट नहीं करती, दूसरे दिन कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है, तो इसलिए तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल मैंने नाम मात्र का लगाया हुआ है, और देखने कैमरा में तो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था। इसके बाद हम थोड़ा सा लगाएंगे फाउंडेशन, चामसी का जो है, बिल्कुल ज़रा सा फाउंडेशन लगाएंगे। और ये भी ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है। वैसे मेरे पास, मैंने फिटमी का भी यूज़ किया है, फिटमी का अच्छा होता है, बट मेरे पास
बस मैंने जितना भी फाउंडेशन लिया है सब डार्क शेड के। मेरी आदत ये है कि मैं सब चीज़ों को ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, तो इससे क्या होता है कि शेड समझ नहीं आकर गलत गलत शेड मंगा लेती हूँ हमेशा, क्योंकि पड़े रहते हैं। वैसे इससे पहले मैंने शुगर का पेंसिल वाला मंगाया था, वो भी पड़ा हुआ, वो भी डार्क शेड आ गया था। फाउंडेशन तो थोड़ा लाइट दिखना चाहिए, तो इस वजह से मैं उसे यूज़ नहीं कर पाती। और आप देख सकते हैं मैंने ये डार्क शेड में हल्का सा क्रीम, लोटस का प्रोफेशनल क्रीम है, उसको मिक्स करके मैंने लगाया, जो कि वो अगर आप वो भी लगा लोगे तो वो भी काफ़ी होता है मेरे हिसाब से। तो वो ऐसे आप SPF 15 है उसमें भी ऐसे आप चाहो तो उसको भी सिर्फ लगा सकते हो, और ऐसे डेली यूज़ के लिए भी सही है, लेकिन डेली यूज़ तो मैं नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मिक्स करके मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ोन पे ही देख के जैसे कि मैंने बताया लगा रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने कैमरा थोड़ा सा पॉज करके वीडियो कैमरा के पास आके लगा कर आई हूँ। तो इस तरह से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब पहन लेती हूँ ड्रेस, क्योंकि जो फाउंडेशन वाला काम था वो हो चुका है। अब बिल्कुल भी डर नहीं है कि फाउंडेशन ड्रेस में लगेगा। तो इसको अब लगाने के बाद अब लगाऊंगी काजल, जो कि फेसेस कैनेडा का है, काफ़ी अच्छा है। पर इसका दूसरे साइड में आप इससे आईलाइनर भी लगा सकते हो अच्छे से, चाहो तो स्मोकी आईज भी बना सकते हो। आईलाइनर भी लगाया है तो मैंने पहले, अभी जब दिखाने का टाइम आता है तो उस वक्त अच्छे से नहीं लग पाता, पहले मैंने लगाया हुआ काफ़ी अच्छे से लगा था। और ये है आईब्रो पेंसिल, आईब्रो डिफाइनर जिसको बोलते हैं, और उसको मैंने यूज़, ये मैंने स्विस ब्यूटी का मंगाया है जो कि काफ़ी अच्छा है। स्विस ब्यूटी वैसे एक तो एकदम सस्ता सा और बहुत अच्छा होता है, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसके हाइलाइटर, इसके ये आईब्रो पेंसिल, इसके लिपस्टिक तो मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि लिपस्टिक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ब्रांडेड ही यूज़ करना है। ब्रांडेड स्विस ब्यूटी भी ब्रांड है, बट मुझे ट्रस्ट नहीं है लिपस्टिक पे। और ये है हाइलाइटर स्विस ब्यूटी का, जो कि मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने एक मेरा पड़ा ही हुआ है, क्योंकि ये एक एक ख़त्म होने में मुझे लगता है 10 साल लग जाते हैं, तो बस क्रीम वगैरह लगा लो और हाइलाइटर लगा लो, ये भी काफ़ी होता है। और अब यूज़ करूँगी फेस के लिए, तो हाइलाइटर ये देख सकते हैं स्विस ब्यूटी का काफ़ी अच्छा। अभी हाल फिलहाल में मैंने मंगाया, क्योंकि इससे पहले वाला का मेरा वो बॉक्स टूट गया था, जो उससे थोड़ा सा केकी सा हो गया खुले खुले में। मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया, और ये है शुगर का ब्लशर। तो ब्लशर लगाने के बाद हल्का सा ब्लशर लगाएंगे, ब्लशर कराने के लगाने के बाद मेरा मेकअप हो जाएगा। और ये है पिंक, एकदम बहुत दिनों के बाद, बहुत 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 सालों के बाद आज मैं डार्क लिपस्टिक लगा रही हूँ। मिस्टल का, ये वेस्टीज ब्रांड के मिस्टल ब्रांड का ही है, वेस्टीज में ही मिस्टल ब्रांड आता है उसका, काफ़ी अच्छा शेड है। मैंने ये मेरा दूसरा है, और देख सकते हैं पूरा ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहा है कैमरे में, वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं लगता है, पर एकदम बिल्कुल सेम कलर था दोनों का, रोजी पिंक। मैंने बस सूट का उस कलर की वजह से मैंने ये सूट रखा है, काफ़ी सुंदर सा कलर है इसका। वैसे तो गर्मियों में ये इसके जो अंदर का कपड़ा होता है वो कम्फर्टेबल नहीं है, बाकी ऐसे कपड़ा अच्छा है। इसके ऐसे दुपट्टे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम सॉफ्ट से, और इनके बाजू में मुझे कपड़ा लगा हुआ एकदम सॉफ्ट सा, मुझे सेम एकदम मैचिंग का ईयरिंग मिल गया है, तो उसको ही मैंने पहन लिया। एकदम मस्त लग रहा था दोनों, मैचिंग। और देख सकते हैं इसके पैंट की भी फिटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो कुल मिलाकर 600-700 रुपये में अगर आपको इस तरह का ड्रेस सेट मिले तो कौन लेना पसंद ना करे। और देख सकते हैं मेरा एकदम कम मेकअप प्रोडक्ट के साथ मस्त मेकअप होगा। पैंट क्योंकि आजकल तो सिलाई ही उतना लग जाता है, इससे अच्छा ऑनलाइन रेडीमेड ऑर्डर कर लो। मार्केट में भी मुझे नहीं लगता इतना ऑप्शन होता है। इसका गला भी काफ़ी अच्छा था, वैसे आगे से थोड़ा ठीक था पर पीछे से बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे चल रहा है न्यूज़, और मुझे खाने की बहुत दिल से हो रही थी क्रेविंग मोमोज, रोज़ सोच रही थी आज खाऊंगी। फाइनली मैंने आज ऑर्डर कर लिया, आज फुर्सत हूँ, और आज ही आया मेरा फेवरेट मोजरी, जो कि हाउस ऑफ